दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों जो अभी लेटेस्ट एग्जाम लगने वाले हैं आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल गवर्नमेंट से जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कर रहे हैं और NCVT से जो सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी इस चैनल से जुड़ सके और एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों मैं 30 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं और ये 31 टॉपिक है व्यावसायिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, कोयले के कण से होने वाली बीमारी है। तो पहला ऑप्शन है सिलिकोसिस, दूसरी है एस्बेस्टोसिस, तीसरी है साइट्रोसिस और चौथी है एंथ्राकोसिस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंथ्राकोसिस। सेकेंड क्वेश्चन, सिलिका के कण से होने वाली बीमारी है। तो पहला ऑप्शन है एंथ्राकोसिस, दूसरा ऑप्शन है सिलिकोसिस, तीसरा ऑप्शन है बेंगाइसोसिस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 3, एस्बेस्टोस से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एस्बेस्टोसिस, फेफड़े का कैंसर, दूसरी टेपकोसिस, तीसरी है पर्म रसलंग और चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, एस्बेस्टोसिस, फेफड़ों का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लोए से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 अल्सर, ऑप्शन नंबर 2 साइट्रोसिस, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र रोग, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, साइट्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 5, ईख जिसको अपन गन्ना भी बोलते हैं, गन्ने की खोई से होने वाली बीमारी है। पहला ऑप्शन बाइसिनोसिस, ऑप्शन नंबर 2 टेपकोसिस, ऑप्शन नंबर 3 मैंगाइसोसिस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैंगाइसोसिस। क्वेश्चन नंबर 6, कपास की धूल से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 बाइसिनोसिस, ऑप्शन नंबर 2 टेपकोसिस, ऑप्शन नंबर 3 टिटनस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइसिनोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, तंबाकू से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 पर्म रसलंग, ऑप्शन नंबर 2 साइट्रोसिस, ऑप्शन नंबर 3 टेपकोसिस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टेपकोसिस। क्वेश्चन नंबर 8, सूखी घास या धान की धूल से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 पर्म रसलंग, ऑप्शन नंबर 2 ट्रेंच फुट, ऑप्शन नंबर 3 क्यों ज्वर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा पर्म रसलंग। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी गर्मी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 जलना, ऑप्शन नंबर 2 आघात, ऑप्शन नंबर 3 एटन, ऑप्शन नंबर 4 एरिथ्रोसाइनोसिस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिकरण के कारण होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 आस पड़ोस की स्वच्छता की समस्या, ऑप्शन नंबर 2 आहार स्वच्छता समस्या, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक समस्या, ऑप्शन नंबर 4 दुर्घटना, ऑप्शन नंबर 5 उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आ चुका है, ये आपको मैं बता दूं, गुजरात सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में म्यूनसिपल सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट आया था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये क्वेश्चन आपके DSSB में भी आ चुका है और उसके अलावा ये क्वेश्चन आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1976 में, ऑप्शन नंबर 2 1970 में, ऑप्शन नंबर 3 1980 में, ऑप्शन नंबर 4 1985 में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 12, खदान अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1976, ऑप्शन नंबर 2 1952, ऑप्शन नंबर 3 1948, ऑप्शन नंबर 4 1975 में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 13, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1948 में, ऑप्शन नंबर 2 1950 में, ऑप्शन नंबर 3 1955 में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन 1948 में। दोस्तों ये 30 नंबर का जो क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये आपके ESIC में कभी बार क्वेश्चंस आ चुका है और CHO में भी ये क्वेश्चंस आ चुका, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन करेंगे 32 नंबर का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का टॉपिक मैं जब भी आगे करवाऊँगा तब इस वीडियो पे अच्छे से व्यूज आएंगे, एक दिन में 1000 व्यूज हो जाने चाहिए इस वीडियो के, ठीक है। तभी जो है मैं आगे आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, आपको सोचना चाहिए। ये देखिए 65 पेज दिख रहे होंगे आपको, 30 पेज तक ये क्वेश्चंस मैंने खुद ने क्रिएट किए हैं बनाए, तो मेहनत लगती है लिखने में सारी चीज़ में, जॉब के साथ सारी चीज़ें करता हूँ मैं आपके लिए, तो उसका रिस्पॉन्स भी फिर आपको जो है अच्छे से देना है। 1000 व्यूज हो जाने चाहिए एक दिन के अंदर, तभी जो है मैं आगे के टॉपिक कवर करवाऊंगा, नहीं तो फिर मैं भी जो है जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही डालूंगा, फिर मैं रेगुलर नहीं डालूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है मेरे साथ भी, टाइम ही है जो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट जो है अच्छा मिले आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ जो है चैनल पर व्यूज अच्छे आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, मैं भी तो यही चाहता हूँ और आपसे तो कुछ एक्स्ट्रा मांगता नहीं हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जो है 1000 सब्सक्राइबर, सॉरी 1000 व्यूज एक दिन में कर दीजिए इस पर, तभी जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य। उसके बाद में जो है आपके ये चल रहा है 4th नंबर का, ठीक है, फिर 5 नंबर का जो बुक है वो दोनों ही मैं आपके जो है एग्ज़ाम लगने से पहले कवर करवा दूँगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो क्रिएट कर लिए ऑलरेडी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर 32 नंबर का टॉपिक है, यहाँ पर 33 पर्यावरण स्वास्थ्य जल शुद्धिकरण और निगरानी, 33 के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर देख सकते हो, किसी टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन है तो किसी में कम है, जिसमें जितने बन सकते थे उतने बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। अब देख लीजिए ये 33 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 51 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, 53 चल रहे हैं। यहाँ पे आपके आ जाते हैं 34 नंबर का टॉपिक टॉस अपशिष्ट का प्रबंध, तो 34 के बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा 35 पे मलमूत्र का निपटान, 35 के बाद में अपना टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर मल जल की व्यवस्था, और मल जल की व्यवस्था के बाद में जो है आपके नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा 37 अस्पताल अपशिष्ट पदार्थों की व्यवस्था। दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने इनके लिए, और ये एक जो है क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपके बहुत ही जल्द जो है एक सुनियोजित और अच्छे तरीके से बुक में यही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, बहुत जल्द जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बुक की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उसके लिए जो है मैं प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग का मैटर पड़ा हुआ है मेरे पास। मैं चाहता था टाइपिंग वाले से भी ये वीडियो बना सकता लेकिन नहीं बनाए, क्योंकि उसमें बहुत सी जगह जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, तो वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे बीच में जो है वो चीज़ें पकड़ने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से जो है मैंने टाइपिंग वाले से नहीं बनाए ये, और ये सीधा हैंड राइटिंग जो नोट्स थे मेरे उन्हीं से ये वीडियो बनाए मैंने, ठीक है। टाइपिंग वाले जब कंप्लीट बुक आ जाएगी तो 10-20 टॉपिक में उससे बना करके बताऊंगा आपको अपने ही चैनल पर, ताकि जो है बच्चों पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुक परचेज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 38 का वायु, 38 के बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखो दोस्तों किसी में 50 है, किसी में 70 भी है, किसी में 40 भी है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते थे उतने मैंने बनाने की कोशिश की। इसमें आप लास्ट देख सकते हो 52 नंबर का क्वेश्चंस है वायु में, और यहाँ 39 में जो है आवास व वायु संचार नाम का टॉपिक है, जिसमें आप देख सकते हो इसमें आपके 12 ही क्वेश्चंस बने, इससे ज़्यादा नहीं। फिर 40 नंबर का टॉपिक है प्रकाश और विकिरण, तो ये मैक्सिमम जो है आपके 10 डेज लगेंगे मुझे अपने चैनल पे दिखाने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन मैं तभी दिखाऊंगा, तभी आगे वीडियो बनाऊंगा, तब अच्छे से व्यूज आएंगे। अगर मान ली 100-150-200 व्यूज आएंगे तो फिर मैं भी जो है जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही डालूंगा, मैं रेगुलर नहीं डालूंगा, नहीं तो फिर, ठीक है। ये 41 नंबर का टॉपिक है धोनी, धोनी में आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, धोनी में अपन ने किया 16 क्वेश्चन क्रिएट। और नेक्स्ट जो है 42 भोजनालय वो खाद अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, इसमें आपके जो है 10 क्वेश्चंस
क्रिएट किए हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा लाइन वाइज उठाए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भी आपके यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप किसी डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, एनसीबीटी से या ऑल इंडिया एप्टीट्यूड से, क्योंकि दोनों ही के पेपर अभी जो है सेम पैटर्न में हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में, सीधा इसी तरह से क्वेश्चन उठकर आए थे। पिछले साल एग्जाम लगे थे, बहुत से बच्चों का रिस्पांस और कमेंट पढ़े थे मैंने, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट में बताया था, सर आपने जो वीडियो चलाए हैं उन्हीं में से जो है 90% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले हैं, और हम आपका बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए जो है बुक 4th और 5th के टॉपिक नहीं चला पाया था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम जो है क्वेश्चंस क्रिएट करने की शॉर्टेज थी, मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं बुक 4th और 5th के क्वेश्चंस नहीं बता पाया था। लेकिन 1st, 2nd और 3rd बुक के सारे क्वेश्चंस मैं बता दिए थे, तो उनमें उनको काफ़ी हेल्प मिली थी। और अब मेरे पास क्वेश्चंस क्रिएट है, लेकिन ये आपके रेस्पॉन्स के ऊपर ही आगे मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी दी जानकारी संतुष्ट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।